हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। आज फिर से एक बार मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने नेटिव प्लेस में हूँ। यहाँ से ही मैंने अपना बचपन बिताया है। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और मेरी शादी हुई और मैं दूसरे शहर में जा बसी। बहुत दिनों बाद मौका मिला है घर पे रह के बचपन की कुछ यादों को ताज़ा करने का। बहुत सी यादों में सरस्वती पूजा भी एक ऐसा फेस्टिवल हुआ करता था जिसका इंतजार हम साल भर करते थे, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती थी ना, एक दिन के लिए हमें छुट्टी मिल जाती थी। माँ सरस्वती के पास सारी किताबें रखकर हम फुर्सत हो जाते थे। बसंत पंचमी के दिन हम चाहे कोई भी रिचुअल भूल जाते थे, लेकिन ये रिचुअल हम कभी नहीं भूलते। बसंत पंचमी के दिन को सरस्वती माता के जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और आज मैं अपने घर में एक छोटा सा पूजा का मैंने आयोजन किया है, जिसमें हमारा पूरा परिवार हम मिलके यहाँ पर पूजा करेंगे। और एक बहुत ही छोटी सी तैयारी है, वो मैं जैसे जैसे करती जाऊँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो चलिए शुरू कर दिया है। ये थोड़ी सी तुलसी का पत्ता और आस पड़ोस से थोड़ा फूल लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ गार्डन में बहुत ज़्यादा फूल वगैरह नहीं है। अभी मुझे आम का पत्ता लेने के लिए जाना है वहाँ दूर में, तो मैंने सब कर लिया है, नहाना वहाना सब हो चुका है। अब बाकी की आगे की तैयारी करेंगे और आपके साथ कनेक्ट होंगे। ज़्यादा ठंड की वजह से पेड़ पौधों में अभी बेल पत्ते भी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। एक ही बेल पत्ता मिला है, सारे झाड़ में एक ही पत्ती है। भगवान को चढ़ाने के लिए पत्तों का, तीन पत्तों का जुड़ा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, एक ही मिला, एक ही से काम चले। लेकिन बाकी तो मुझे कुछ दिखा नहीं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा दुर्वा कलेक्ट कर ले रही हूँ। किसी भी पूजा में दुर्वा और बेलपत्ता का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बेलपत्ता में पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का एक बहुत ही गजब की क्षमता होती है। इसलिए भगवान को चढ़ाए जाने के बाद उन पत्तों को हम अपने साथ घर ले आते हैं और किसी पवित्र स्थान पर या अपनी किताबों में रखते हैं। बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए एक सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, छोटा सा डेकोरेशन। इसमें मेरे पूरे घर ने मेरा सहयोग किया और खासकर मेरे बेटे ने, जॉय ने। आजकल बच्चों को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है पढ़ाई छोड़कर, तो हम बड़ों को थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम बच्चों में ये सारी इंटरेस्ट को डेवलप कर सकें। सरस्वती का आसन लगाया है और ये छोटी मोटी ऐसे ही थोड़ी सी तैयारी कर रही है। कल मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, वहाँ से ये कुछ सामान जो पूजा के लिए ज़रूरत है वो सभी चीज़ों को मैं लेकर आई हूँ। और इन सब का शूटिंग मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन इसके साथ जो हमें और भी तैयारी करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर अल्पना बनाऊँगी और घट बिठाऊँगी और ये सारे पूजा का आयोजन यहीं पर होना है। शुरू करते हैं। मैं यहाँ अब जाती हूँ अल्पना देने के लिए, आप मेरे साथ में आइए। आलपना, ये है चावल के सूखे आटे को पानी में घोलकर एक सेमी सॉलिड घोल बनाया जाता है, और जिसमें रुई डुबाकर इसे उंगलियों की हेल्प से इसे बनाया जाती है। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि बसंत पंचमी है तो येलो थीम रखा है, और येलो के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी यूज़ की है इसमें चावल के आटे को और खूबसूरत बनाने के लिए। ऊपर से थोड़ा सा लाल रंग डाल रही हूँ। आलता जानते हैं, जो पैर में लगाया जाता है, उसी आलता को घोलकर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलर यूज़ किया है। यहाँ लिया है मैंने हाफ टी स्पून हल्दी और डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसमें सरसों का तेल। इसे घोलकर एक लेप बनाया जाता है, जो सरस्वती पूजा के दिन इससे नहाना शुभ माना जाता है। तो ये तेल और हल्दी जो है, ये बसंत पंचमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बचपन से हम ये, मेरी माँ कहती थी, ये हल्दी और सरसों का तेल लगाकर बसंत पंचमी के दिन में बच्चों को, बड़ों को, सबको नहाया जाता है। तो आज मैं तो बहुत जल्दी सुबह स्नान कर ली, ये रिचुअल मुझे याद नहीं था। तो मैं अभी, मेरा जो बेटा है, मैं उसको ये हल्दी और मस्टर्ड ऑयल का जो लेप है, ये जो रिचुअल है, ये मैं उसके साथ में करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से हल्दी जब मैं गाय होलू धोची जो है तो इस तरह हल्दी और इसका लेप करके नहाना बहुत ज़रूरी होता है बसंत पंचमी के दिन में, क्योंकि सब कुछ पीला पीला रहता है। तो ये हल्दी लगा के जॉय को मैंने पीला पीला कर दिया है, अभी जॉय जाके नहा लो। चलो, छोटी बड़ी सभी रिचुअल्स को मैंने थोड़ा थोड़ा फॉलो ज़रूर किया है। अब चलते हैं भोग बनाने की प्रोसेस में। यहाँ पर आज मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों मिलकर बना रहे हैं माँ सरस्वती के लिए भोग।
जैसा कि बंगालीज में अधिकतर भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है, तो मैंने भी यहाँ पर 5 प्रकार का भाजा यानी कि फ्राइज तैयार किया है। खीर बन रही है, टमाटर की चटनी बन गई है और पूरियाँ अभी बनने वाली है, और साथ में ही हम बना रहे हैं यहाँ पर खिचड़ी। तो खिचड़ी के लिए ये जो रेसिपी है, सभी भोग की रेसिपी मेरे चैनल में पहले से ही है। ये सभी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसे आप देख सकते हैं। तो हम सब ने मिलजुल कर माँ सरस्वती के लिए काफ़ी सारी तैयारी हम कर चुके हैं। अब हमारे घर के पंडित मेरे पिताजी आने ही वाले हैं, घर की छोटी मोटी पूजा कर रहे हैं और आपको तो आवाज़ सुनाई दे ही रहा होगा। हाथ में वीणा, पुस्तक और अक्षर माला के साथ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली माँ सरस्वती ज्ञान, विद्या, बुद्धि और विवेक की देवी है। उनसे हम विवेक और बुद्धि प्रखर होने की, मधुर वाणी पाने की साधना करते हैं। प्रकृति में वायु का चलना, पक्षियों की कलरव, पेड़ पौधों की सरसराहट और वाद्य यंत्रों की सुमधुर ध्वनि, यह सब माँ की ही देन है। माँ, हम सब आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सिर्फ किताबें ही नहीं, माँ के पास स्याही और कलम भी रखने का एक बहुत बड़ा रिवाज है, क्योंकि इसी कलम और दवात से माँ हमारी किताबों में ज्ञान और बुद्धि लिखती हैं। स्याही के रूप में यहाँ पर दूध रखा जाता है, जिससे माँ हमें ज्ञान प्रदान करती है। वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान शारदाम या कुंदेन्दु तुषार हार धमला या सुप्रवस्थाविता या वीरा वरदंड वंदित करा या सुहित पद्मासना। भोग अर्पण के बाद पुष्पांजलि। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्त्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। ভালো করে পড়াশোনা করে পাশ কর। আরে এত মাথাটা ইয়ে করছে, দেখাই যাচ্ছে না, একবার দিদার গলা কেটে যাচ্ছে, তোর গলা কেটে যাচ্ছে। হয়েছে বাবা, হয়েছে। দিয়েছো আশীর্বাদ ওকে ভালো করে? হ্যাঁ, ভালো করে আশীর্বাদ দিচ্ছি, ভালো করে। হ্যাঁ,
তিন বার দিতে লাগবে এক দু তিন देवी माँ के आशीर्वाद से आज माँ सरस्वती जी का पूजा मैंने अपने पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से हमने किया और मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स और मेरे फैमिली को माँ का आशीर्वाद भरपूर मिले। तो इस तरह हमने आज सरस्वती पूजा किया और जितना कुछ हो सका मुझसे मैंने वीडियो करने की कोशिश की और बहुत कुछ छूट भी गया है उसके लिए आई एम सॉरी। और मैं बहुत सारा रिचुअल आपको दिखा नहीं सकी पर घर में ही हमने मेरे पिताजी ने पूजा किया है घर के पंडित ने और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लेकिन सरस्वती पूजा यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, इसका एक और रिचुअल होता है वो है शीतला षष्ठी। शीतला षष्ठी मतलब इसमें ठंडा खाना खाया जाता है, माँ शीतला देवी का पूजा होता है और इसमें जो कल जो भोग प्रसाद बनता है वो आज रात को ही बनाया जाता है। तो उसमें कुछ स्पेशल चीज़ रहता है, उसका मैं आपको कल बताऊंगी कि उसमें किस तरह से उसका प्रिपरेशन किया जाता है। तो आज मैं यही ख़त्म करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को ये जो सरस्वती पूजा का ब्लॉग है ये पसंद आया होगा। आप सभी को माँ सरस्वती का बहुत सारा आशीर्वाद। अभी रात के 8 बजे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गोटा शेद्दो शीतला षष्ठी माता का जो प्रसाद है उसे सरस्वती पूजा के रात वाले दिन ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने खड़ी उड़द की दाल और खड़ा मूंग दाल इसमें मिक्स करके यहाँ पर देते हैं, तो मैंने वही लिया है 4 चम्मच। मैंने इसे 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था और ये अच्छे से भीग चुका है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए जो मेन यहाँ पर हमें सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है वो पूरी गोटा, गोटा मतलब होता है होल वेजिटेबल्स, इसे एक भी कोई कट फट नहीं लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पर हर एक सब्जियाँ 6-6 गिनकर ही ली जाती है, चाहे आप सब्जी 8 ले या 10 ले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटा छोटा ढूंढ कर निकाला है ये सब्जियाँ, मीठा आलू, सेम साधारण वाला जो सफ़ेद आलू, ये देखिए ये सभी मैंने 6-6 पीसेज में लिया है और छोटे वाले आलू भी लिए हैं और यहाँ पर बैंगन लिया है जो बाकी बचा नहीं था मेरे पास, तो मैं 2 कलर अलग मिक्स करके लिया है। यहाँ पर 6 बीन्स लिया है और साथ में लिया है 6 बेर। बेर जो होता है ये सरस्वती जी का बहुत ही मेन प्रसाद होता है तो ये इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। और यहाँ पर लिया है 6 मटर। मटर को छील के बिल्कुल नहीं डालना है। यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो दिया था पानी में ताकि इसकी सारी मट्टी वगैरह निकल जाए। तो यहाँ पे 6-6 रखी हुई सब्जियों को अब हम दाल के साथ में उबालेंगे। अच्छा, और इसमें किसी प्रकार का ना हम कोई मसाला यूज़ करते हैं, नमक यूज़ कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। इसे धीमी आँच पर प्रेशर कुकर में इसे कम से कम 5-6 सीटी के साथ इसे पकाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसे मैंने दाल को अच्छे से धोकर ही भिगोया था। अब इसे कुकर में डालकर कम से कम 3 से 4 कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है और एक एक करके सभी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। गोटा शेद्दो ये बंगालीज में ही खाया जाता है शीतला षष्ठी, यानी कि उस दिन से जो गर्मियों का दिन होता है वो शुरू होता है, इसलिए शरीर को शीतल रखने के लिए माँ शीतला जी का पूजा करके इस गोटा शेद्दो को ठंडा करके खाया जाता है, ठंडी चीज से जैसे कि दही के साथ इसे खाया जाता है। अब इसे गैस पर मैंने चढ़ा दिया है, इसे कम से कम 5-6 सीटी इसमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर खड़ा उड़द की दाल है छिलके वाली, उसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगले दिन सुबह जब मैं उठी, माँ ने यहाँ पर इसे सील के ऊपर रखने का नियम है और इसे माँ ने पहले ही रख दिया था। सुबह उठकर मैंने जब देखा तो ये सब कुछ हो चुका था। मैं सिर्फ आपको अभी खोलकर दिखा रही हूँ कि ये दिखता कैसा है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से गल गया है और सारी सब्जियाँ वैसे ही बिल्कुल होल सब्जियाँ दिख रही है, यानी कि गोटा गोटा दिख रही है। तो यहाँ देखो मैं दाल भी आपको दबा कर दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से ये गल गई है। तो इस तरह हमारा शीतला षष्ठी का जो रिवाज है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम दही और नमक के साथ कच्चा सरसों का तेल डालकर इसे हम खाएंगे।
आई होप आपको सरस्वती पूजा का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी, ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर से ऐसे ही किसी मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो आज सरस्वती पूजा के लिए यहाँ पर देखिए मैंने पीला रंग का साड़ी पहना हुआ, पीला साड़ी और वाइट साड़ी यही बहुत पहना जाता है। कैसे बोलूँ, तो आज इस सरस्वती पूजा का मैंने ये जो ब्लॉग किया है ना, क्या ना बोलूँ, फालतू बता ना।